प्रीवियस वीडियो में लिफो मेथड की प्रैक्टिस की थी, तो हमारा चैप्टर है मटेरियल्स, परचेज प्रोसीजर, स्टोर्स कंट्रोल एंड प्राइसिंग। तो इसमें आपके थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज फिफो, फिफो स्टैंड्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन सेकंड मेथड इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड मेथड आपका आता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। फिफो मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिफो भी हो गया हमारा, लास्ट मेथड करेंगे वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। द स्टॉक लेजर अकाउंट फॉर मटेरियल एक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिवील्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30th 2015। तो ये आपकी रिसिप्ट है और ये इशू, ये है रिसिप्ट और ये इश्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो 1 जून को आपको रिसिप्ट्स दी हुई है, इश्यू नहीं दिया हुआ, रिसिप्ट्स दी हुई है 1 जून को। दिस वन रिसिप्ट, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस मतलब पर यूनिट। तो फॉर्मेट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपका एक डेट का कॉलम बनता है, फिर पर्टिकुलर्स, देन रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस। फर्दर इनके तीन कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट। तो डेट डालते हैं 1 जून। 1600 यूनिट, तो रिसिप्ट्स को हम क्या कॉल करते हैं, जीआरएन नंबर, जीआरएन नंबर। 1600 जो रिसिप्ट है हमारी, वो मतलब जो परचेज कर रहे हैं हम मटेरियल, वो इस कॉलम में आएगी। जो मटेरियल हम इश्यू कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं आगे, वो इस कॉलम में आएगा। और जो बैलेंस है, जो बैलेंस बच गया, वो इस वाले कॉलम में। तो ये रिसिप्ट हैं, तो रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे हम 1600। किस रेट पे है, 2, तो ये इंटू ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3200। इश्यू के कॉलम में नील, क्योंकि ये तो रिसिप्ट्स हैं, तो इसमें नील। तो बैलेंस में क्या आ जाएगा, सेम यही चीज 1600, 3200 और 2। ये 1 जून को आपका ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट डेट June 9, 3000 क्वांटिटी है, प्राइस आपका 2.20। 9 जून, रिसिप्ट है तो जीआरएन नंबर कॉल करते हैं हम। अगर इशू, जो ये इशू है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे रिक्विजिशन स्लिप नंबर। और जो ये रिसिप्ट है क्वेश्चन में गिवन है, जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे जीआरएन नंबर। 3000 किस रेट पे है, 2.20। तो 3000 इंटू दिस आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, इशू के कॉलम में नील। अब क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिसिप्ट है वो ऐड होती है आपको पता है, और जो इशू मटेरियल जो इशू कर दिया, जो हमने दे दिया, वो हम माइनस कर देते हैं, और जो रिसिप्ट्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं बैलेंस में। तो ये रिसिप्ट है, तो ये वेटेड एवरेज मेथड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 1600 है ना, इसमें ये 3000 ऐड कर देंगे। 1600 में वी ऐड 3000, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 3200 है इसमें हम ऐड कर देंगे ये वाला, कितना आएगा 9800। पहले ये वाला इसमें ऐड किया, क्योंकि ये रिसिप्ट है तो ऐड होगी और इशू माइनस होता है, तो 3000 में ये और ये ऐड कर देंगे, यहां पे लिख देंगे, और 3200 में
6600 प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पे, तो पर यूनिट कैसे आएगा आपका? पिछली वीडियो में फीफो और लिफो मेथड में हमें क्वांटिटी दी होती थी और पर यूनिट गिवन होता था, तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे? क्वांटिटी इनटू पर यूनिट करके क्या आता था हमारा? टोटल कॉस्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, तो पर यूनिट आपका निकल आएगा ये डिवाइडेड बाय 4600 पर यूनिट आ गया आपका 2.13, ऐसे निकलेगा आपका पर यूनिट। 9 के बाद फिर 13 जून इशू हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? रिक्विजिशन स्लिप नंबर इशू के कॉलम में लिखेंगे ना, ये रहा इशू। क्वांटिटी 1200 हमें अमाउंट दी हुई है इसमें, पर पिछले क्वेश्चंस में क्या दिया होता था? पर यूनिट दिया होता था हमें, पर इसमें अमाउंट दे दी, अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट दे दी हमें, ये वाली चीज दे दी हमें क्वेश्चन में 2556। तो पर यूनिट आप निकाल सकते हो इजीली, इसको इससे डिवाइड करके आपका पर यूनिट आ जाएगा, दैट इज 2.13। अब इश्यू है तो बैलेंस में से माइनस होएगा ये। 9 तारीख को बैलेंस क्या था हमारा? ये तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, 4600 माइनस 1200, फिर 9800 माइनस 2556, ये आएगा 7244। इशू है तो माइनस होएगा, ये इसमें से माइनस और ये इसमें से माइनस, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड कर दो आप, आपका पर यूनिट आ जाएगा 2.13। नेक्स्ट डेट है हमारी 5 अगस्त, अगेन इशू, मटेरियल इशू हो रहा है, तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर 900, टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको ये 1917, पर यूनिट निकल आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये डिवाइडेड बाय ये 2.3। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन इशू आ गया ये, तो इशू बैलेंस में से माइनस होता है, पिछली डेट का बैलेंस ये था तो इसमें से माइनस करेंगे, 3400 माइनस 900 2500, और फिर ये 7244 माइनस 1917 कितना आएगा ये 5327। फिर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका पर यूनिट निकल आएगा अगेन 2.13। फिर नेक्स्ट डेट आती है हमारी 17 अगस्त, रिसिप्ट्स आ गई, तो क्या लिखेंगे? जीआरएन नंबर 3600 पर यूनिट दिया हुआ हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8640। तो रिसिप्ट से तो ऐड होता है बैलेंस में, क्योंकि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, तो हम इस वाले बैलेंस में ये प्लस कर देंगे, कितना आएगा 6100, 2500 प्लस 3600 इज इक्वल टू 6100, फिर ये प्लस ये 13967, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा आपका 2.29। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 17 के बाद 24 अगस्त, इशू हो रहा मटेरियल, तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर 1800, इशू के इशू हो रहा है ना, इशू के कॉलम में लिखेंगे क्वांटिटी में 1800। फिर ये टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको, तो टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिख दो
2.22। पर यूनिट निकल आएगा ये डिवाइडेड बाय 1800, 2.20। फिर ये इशू हो रहा है तो माइनस होएगा बैलेंस में से, मटेरियल इशू हो रहा है तो बैलेंस में से माइनस, 6100 माइनस 1800, 4300। देन इसको फिर इसमें से माइनस, मतलब ये माइनस ये, 9845 13967 माइनस 4122, ये आ जाएगा 9845। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा आपका 2.29। नेक्स्ट 11 सितंबर, रिसिप्ट से क्वांटिटी कितनी है 2500, तो जीआरएन नंबर लिखेंगे हम, रिसिप्ट क्वांटिटी 11 सितंबर क्वांटिटी में 2500, पर यूनिट दिया हुआ 2.50, 2500 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6250। अब रिसिप्ट आ गई तो ऐड होएगा बैलेंस में, ये बैलेंस था हमारा पिछली डेट का ये वाला, इसमें ऐड करेंगे 2500, 4300 प्लस 2500 6800, फिर इसमें ये वाला प्लस कर देंगे 6250, कितना आ जाएगा 16095। फिर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका पर यूनिट निकल आएगा 2.37। नेक्स्ट डेट है हमारी 27 सितंबर, इशू तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर 2100, टोटल कॉस्ट दी हुई है 4971। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 2.37। अगर आपको ये गिवन नहीं है और आपको क्वांटिटी दी हुई है और पर यूनिट दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, दिस इंटू दिस, ये इंटू ये, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये और ये दिया हुआ है तो पर यूनिट निकालना, तो डिवाइड कर देंगे इसको इससे, तो इशू मटेरियल इशू हो रहा है तो बैलेंस में से माइनस, तो 6800 में से माइनस कर देंगे हम 2100, ये आ जाएगा 4700। फिर ये माइनस ये, दिस माइनस दिस, दिस वन 11124। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आपका पर यूनिट आ जाएगा 2.37। नेक्स्ट डेट है सितंबर 29 सितंबर, इशू हो रहा मटेरियल तो रिक्विजिशन स्लिप नंबर 700, क्वांटिटी है ना ये 700। फिर अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट दी हुई है 1656, पर यूनिट कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइडेड बाय ये वाला 2.37 आ जाएगा आपका। फिर मटेरियल इशू हो रहा है तो फिर अगेन माइनस करेंगे बैलेंस में से, पिछले बैलेंस में से, ये था पिछली डेट का बैलेंस, तो ये माइनस ये 4000, फिर इसमें से 11124 में से हम माइनस कर देंगे 1656, ये आ जाएगा 9468। फिर ये माइनस, सॉरी, ये डिवाइडेड बाय 4000, आपका पर यूनिट आ जाएगा 2.37। ओके, फिर नेक्स्ट, तो ये खत्म यहाँ पे। अब बुक में आपको एक लाइन दी हुई है, ये वाला क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला, तो नेक्स्ट में
आपको एक लाइन दी हुई है, इसे रीड आउट कर लेते हैं एक बारी। ये लिखा हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन सितंबर 30, 2015 रिवील्ड एन एक्चुअल स्टॉक ऑफ 3800 यूनिट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू। तो ये आपको लाइन गिवन है, तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3800 क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, बैलेंस में लिखोगे, ऑब्वियसली बात है ओपनिंग स्टॉक भी हम बैलेंस में लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस में लिखोगे, 3800 का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पर यूनिट कौन सा लेंगे, यही वाला लेंगे 2.37। तो इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 3800 इंटू 2.37 8995। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो आप एक चीज देखो, हमारा 29 सितंबर को जो हमारा बैलेंस था वो था 4000, मतलब क्वांटिटी जो हमारी थी 4000, पर बाद में लास्ट में एंड में आके हमारा जो बैलेंस है वो 3800 रह गया। तो कुछ 4000 में से माइनस हुआ होगा तभी 3800 रहा, अगर प्लस किया होता तो 4000 से ज्यादा होता क्लोजिंग स्टॉक, बट ये 3800 है मतलब 4000 से कम है तो माइनस हुआ होगा 4000 में से कुछ। कितना माइनस हुआ होगा, 200 रुपए, 200 रुपए ज्यादा है ना, 200 रुपए ही कम है क्लोजिंग स्टॉक इससे, तो 200 इशू के कॉलम में आएगा, क्योंकि इशू जो इशू के कॉलम में आता है उसे तो हम माइनस करते हैं बैलेंस में से। तो यहाँ पे 200 रहा होगा शॉर्टेज, और पर यूनिट तो हम यही लेंगे 2.37, तो इसको इससे इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। अब ये यहाँ पे आएगा तभी यहाँ पे ये आया 3800, ये देखो ये था आपका 29 सितंबर को 4000 बैलेंस बचा था। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि 3800 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 3800 कुछ माइनस करके ही आया होगा, तो माइनस तो इशू के कॉलम में ही होता है, अगर इशू के कॉलम में कोई मटेरियल हम इशू कर रहे हैं तो वो माइनस होता है बैलेंस में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 4000 माइनस 3800 इज इक्वल टू 200, और पर यूनिट तो हमारा यही चलेगा सेम 2.37, तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है और आपका चैप्टर भी।